दोस्तों 2023 का साल खत्म होने को है और एनएससी ने एनुअल हाईलाइट पब्लिश किए हैं पिछले साल के। आइए दोस्तों हम इन एनुअल इनसाइट्स को देख के जाने भारतीय बाजार किस ओर बढ़ रहे हैं। ऑल राइट, सो नंबर वन, 8 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर्स बाय सितंबर 23। जी हाँ दोस्तों, 7 करोड़ से 8 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर बढ़ने में दोस्तों सिर्फ 8 महीने लगे। India's market cap crossed 4 trillion USD for the first time. अब दोस्तों भारत का मार्केट कैप दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मार्केट कैप दोस्तों बन चुका है। निफ्टी 20,000 11 सितंबर 23 को आई, 21,000 8 दिसंबर को आई, तो बहुत ही कम समय में हमने 20 से 21,000 की ये रफ्तार देखी। दोस्तों 74% ग्लोबल शेयर रखता है NSE टोटल इक्विटी FO के कॉन्ट्रैक्ट्स में, जो कि बहुत ही बड़ा मार्केट शेयर है। और इसी प्रकार के अगर डेरिवेटिव सारे सेगमेंट देखे जाए तो 61% का ग्लोबल शेयर NSE रखता है। ऑलराइट दोस्तों, तो सबसे पहले मार्केट कैप देखेंगे। दोस्तों मार्केट कैप 31 दिसंबर 2022 या दोस्तों पिछले साल जब साल खत्म हुआ था तब मार्केट कैप 280 लाख करोड़ था, जो कि GDP का 105% था। हम GDP से 5% ज्यादा मार्केट कैप था। आपको याद होगा दोस्तों पिछले साल का GDP 272 लाख करोड़ था, उसके मुकाबले मार्केट कैप 280 लाख करोड़। अब ये साल दोस्तों 2023 में आप देख रहे हो 25 दिसंबर का ये डेटा अगर हम देखें तो 353 लाख करोड़ का दोस्तों मार्केट कैप पहुंच चुका है, जो कि GDP से कंपेयर करें तो 115% है। राइट दोस्तों, हम 15% प्रीमियम में चल रहे हैं GDP के मुकाबले। दोस्तों मार्केट कैप हमारा 12 महीने में 26% से बढ़ा है। दोस्तों मार्केट कैप 26% से बढ़ा है मतलब निफ्टी 26% से बढ़ा ऐसा नहीं है, बहुत सी नई कंपनीज लिस्ट होती है वो भी दोस्तों मार्केट कैप को कंट्रीब्यूट करती है, तो टोटल मार्केट कैप 26% से बढ़ा और प्रीमियम पिछले साल के मुकाबले दोस्तों GDP मार्केट कैप टू GDP 10 पॉइंट से बढ़ा। पिछले साल हम 105% थे, ये साल 115% है। ऑलराइट, तो देखिए दोस्तों इसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते 500 लाख करोड़ कब आ जाएगा पता नहीं चलेगा। राइट दोस्तों, NSE का ग्लोबल रैंकिंग और मार्केट शेयर, एज यू कैन सी रैंकिंग 4th नंबर की सबसे बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन आज भारत को मिल रहा है। दोस्तों कैपिटल मार्केट में नंबर ऑफ ट्रेड के हिसाब से दोस्तों हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हुए और ये 10.8% का ग्लोबल शेयर रखते। वैसे दोस्तों हमारा GDP का शेयर 4% है, पर आप देख सकते हो कैपिटल मार्केट के नंबर ऑफ ट्रेड में हम 11% करीबन कंट्रीब्यूट करते हैं। इक्विटी डेरिवेटिव लगता है डेरिवेटिव इंडिया में ही होता है सबसे ज्यादा। देखो इक्विटी डेरिवेटिव 74% ग्लोबल शेयर है दोस्तों, नंबर वन, सबसे ज्यादा डेरिवेटिव के कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ ट्रेड होते हैं। सिमिलर वे में करेंसी डेरिवेटिव नंबर वन, 65% ग्लोबल शेयर। डेरिवेटिव अक्रॉस ऑल एसेट देखे तो भी दोस्तों 61% का टोटल ग्लोबल शेयर है भारत का। ऑल राइट दोस्तों, जो फंड मोबिलाइज हुआ है पूरे साल के दरमियान, दोस्तों आईपीओ कई आए इस बार, रिकॉर्ड ब्रेकिंग आईपीओ आए। मेन बोर्ड में पिछले साल 59,000 करोड़ फंड रेज हुआ था, इस साल 45,000 करोड़ फंड रेज हुआ है। दोस्तों कंपनियां ज्यादा आई है पर फंड कम रेज हुआ है। राइट, एनएससी इमर्ज यानी SME देखे दोस्तों तो पिछले साल 1200 करोड़ के मुकाबले ये साल 3300 करोड़ का फंड रेज हुआ है आईपीओ के द्वारा। इससे दोस्तों पता चलता है कि SME की कई कंपनीज दोस्तों आ रही है। दोस्तों फॉलो ऑन इश्यू देखें, फिर चाहे वो राइट हो, प्रेफरेंशियल एलोटमेंट हो या QIP हो। दोस्तों लास्ट ईयर राइट्स 3646 के थे, इस साल 8,000 करोड़ के। प्रेफरेंशियल एलोटमेंट 73,000 करोड़, इस बार कम है 39,820 करोड़। QIP पिछले साल 8,000 करोड़ के थे, ये साल जबरदस्त 50,000 करोड़ के हुए। दोस्तों सेकेंडरी मार्केट में ऑफर फॉर सेल OFS पिछले साल 11,000 करोड़ की थी, इस बार करीबन 16,000 करोड़ की है। तो कुल मिला के टोटल अगर आप करो लास्ट ईयर 1.6 लाख करोड़ दोस्तों टोटल फंड रेज हुआ, जबकि इस साल दोस्तों 1.4 लाख करोड़ फंड रेज हुआ। राइट दोस्तों, टोटल इन्वेस्टर अगर हम देखें, रजिस्टर्ड इन्वेस्टर दोस्तों, ये यूनिक इन्वेस्टर है दोस्तों, 2022 में 6.94 करोड़ इन्वेस्टर्स थे, 2023 में ये बढ़ के 8.5 करोड़ इन्वेस्टर हुए। तो सीधी बात है दोस्तों, हमने बढ़त देखी है इस साल 1.6 करोड़ इन्वेस्टर की। दोस्तों 1.5 करोड़ नए इन्वेस्टर भारतीय बाजार में ऐड हुए और इसका श्रेय जाता है दोस्तों सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन 2023
दोस्तों पहली बार हम देख रहे उत्तर प्रदेश की ओर से, तो यूपी को जोरदार तालियां लगानी चाहिए दोस्तों। यूपी में बड़े डीमैट अकाउंट्स ओपन होते जा रहे हैं और ह्यूज इन्वेस्टर्स का इनफ्लो आ रहा है। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र, दोस्तों ऑब्वियस है महाराष्ट्र का वैसे भी बड़ा रोल होना चाहिए, सबसे ज्यादा डीमैट अकाउंट महाराष्ट्र में है दोस्तों 21.8 लाख नए डीमैट अकाउंट, नए इन्वेस्टर्स दोस्तों महाराष्ट्र से है, 23 लाख उत्तर प्रदेश से, और तीसरे नंबर पे है गुजरात दोस्तों, 11.3 लाख नए इन्वेस्टर रजिस्टर्ड हुए हैं। तो भारत भर में दोस्तों नए इन्वेस्टर्स आते जा रहे हैं दोस्तों, बढ़िया एजुकेशन लेके प्रॉपर वे में निवेश करेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे, राइट फ्रेंड्स। ऐसे ही जो अकाउंट आए दोस्तों, अगर हम टोटल देखे तो कैश मार्केट में पिछले साल 2.7 करोड़ इन्वेस्टर्स ने ट्रेड किए, इस साल भी करीबन उतने ही 2.7 करोड़ इन्वेस्टर्स ने ट्रेड किए, कम से कम एक बार ट्रेड किया, राइट। देखो जरूरी नहीं है जितने इन्वेस्टर है सब लोग हर साल ट्रेड करेंगे, बहुत से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा, जरूरी नहीं है उन्होंने इस साल ट्रेड किए होंगे, इनको एक्टिव इन्वेस्टर कहते हैं जो फ्रिक्वेंट ट्रेड करते हैं, कम से कम साल में एक बार ट्रेड करते हैं। ऐसे कितने इन्वेस्टर है 2.7 करोड़, इनमें से 84 लाख ने इक्विटी डेरिवेटिव में ट्रेड किया पिछले साल के 64 लाख के मुकाबले, राइट। तो डेरिवेटिव्स में तो दोस्तों डेरिवेटिव्स के इन्वेस्टर की संख्या बढ़ी है, राइट। साथ में दोस्तों कैपिटल फ्लो भी देख लेना चाहिए, पिछले साल आपको पता होगा FII ने फंड बाहर निकाल दिया था, करीबन 12,000 करोड़ उन्होंने विड्रॉ किया था भारतीय बाजार से, इस साल दोस्तों 16,000 करोड़ का उन्होंने कैश फ्लो इन किया है, तो पिछले साल का नेगेटिव 12 के सामने पॉजिटिव 16,000 करोड़। TII ने पिछले साल 2.8 लाख करोड़ रुपीज दोस्तों फंड डाला था, उसके मुकाबले इस साल DII का 1.8 लाख करोड़ रुपया फंड फ्लो आया है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स दोस्तों ये देखा जाता है कैश ट्रांजेक्शन से, दोस्तों पिछले साल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ने 88,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया था, ये साल करीबन 9,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो व्हाट नेक्स्ट। दोस्तों भारत का GDP दुनिया का दोस्तों फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है दोस्तों, सबसे तेजी से बढ़ती अगर कोई GDP वाली कंट्री है तो वो अपनी भारत है, इसी का रिफ्लेक्शन मार्केट कैप में हो रहा है दोस्तों। मार्केट कैप में भी हम दुनिया की मार्केट कैप में भी हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आने वाले 3-1 सालों में अगर GDP हम दुनिया की तीसरे नंबर की पहुंचने वाले हैं, मार्केट कैप भी इसी प्रकार से दोस्तों तीसरे नंबर पे हम लोग पहुंचेंगे। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच एंड फील फ्री टू रीच आउट टू अस इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, टोल फ्री नंबर और वेबसाइट दोनों दी हुई है। धन्यवाद एंड जय हिंद। डिस्क्लोजर, दिस अपडेट इज फॉर एजुकेशन पर्पस, वी आर नॉट टिप प्रोवाइडर।